अच्छा तो पापा बताइए, अशोक चक्र में कितने लाइन्स होते हैं? दो तीन आंकड़ा बोलता हूँ, याद आ जाएगा। अरे पापा, 24 लाइन्स होते हैं। 24 लाइन्स होते हैं। 24 मतलब कितना? 24 मतलब कितना? अरे टाकू बेटा, तुम्हारे पापा को पता नहीं है 24 का मतलब? बता बता। अरे डूबी, 24 मतलब 24। 24। वो भी अटक गया था। वो किधर? इधर अटक गया था। लेकिन उधर तो सब खाली है, अटका किधर? दोस्तों के साथ मिलकर ताश खेलना है। ताश नंबर वन। ताश खेलता है? अरे भूल गया, बचपन में एक दिन तुझे ताश खेलते हुए पकड़ लिया था तो भैंस के साथ बांध लिया था। अच्छा, अब पता चला ये भैंस से इतना डरते क्यों है। पर बापूजी, आपको यहाँ कहाँ भैंस मिलेगी? चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मुझे बांध देंगे, बस। चुप रे, बहू क्या भैंस है? दया, ये गणेशोत्सव है। पता है? अरे पता है तो गरबा क्यों खेल रही हो तुम? अरे मैं कुछ भी करती हूँ आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अरे है। पर तुम कहीं भी गरबा खेलने लगती हो तो अच्छा कैसे लगेगा? नॉनसेंस। कोई अपनी खुशी व्यक्त करना चाहे तो उसका भी अधिकार नहीं देता, और फिर मैं जो मेरे को डांटते रहते और मैं भी होते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, खुद भी बोलती रहती है। मस्त लग रही है ना? क्या बात है दया भाभी, क्या लग रही है आप नवारी में? माधवी भाभी से भी ज्यादा महाराष्ट्रन लग रही है। खरच खरच चलो चलो चल खरच। अब गणपति बाबा को थैंक यू कहिए। थैंक यू क्यों? अरे मैं आरती खत्म होने के बाद मन्नत मांगने वाली थी कि अगर आप गणपति विसर्जन से पहले नहीं आए तो मैं आपको लेने के लिए लंदन आती, और फिर लंदन से गोकुल धाम तक हम दोनों चलकर आते। दया, तुझे तैरना आता है? नहीं। क्यों? अरे भाई, लंदन से इधर चल के आने में बीच में 7 समंदर आते तो चलने के साथ तैरना भी पड़ता। अरे तो आप फिर से गणपति बापा को थैंक यू कहिए। थैंक यू क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ठीक समय पर यहाँ पहुँचा दिया और हमें डूबने से बचा लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं प्रिंसिपल को श्राप देती हूँ, वो स्कूल का चपरासी है, सारे बच्चे उसे चिढ़ाए। और अरे दया, उसमें प्रिंसिपल बेचारा क्या करेगा, सारी गलती टप्पू की होगी। भाभी जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंप्लेंट्स की पूरी लिस्ट